वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी चने का साग ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है। यहाँ मैंने छोटी कटोरी मेथी लिया है, मेथी को भी मैंने अच्छे से धो लिया है और काट लिया है। और ये पालक है, पालक को भी मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। ये बथुआ है एक कटोरी, इसे भी मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। और ये राई है, इसे भी मैंने धो के अच्छे से काट लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सरसों का साग। सबसे पहले मैं कुकर लूंगी, कुकर में इन सागों को मैं डाल दूंगी। सरसों, चना का साग, मेथी, पालक, बथुआ, थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देंगे। अब इन सबको डाल के हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर को मैंने बंद कर दिया है। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और 3 सीटी तक मध्यम आंच पे रख के सीटी ले लेंगे। हम चेक कर लेंगे, साग एकदम गल गया है। अब इसे हम मथनी की सहायता से मथ देंगे। देखिए कितना अच्छा गल गया है साग। मथने से सब मिक्स हो जाता है और स्वाद बहुत अच्छा होता है साग का। ये हमें अच्छे से मथ दिया है हमने। अब चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। कढ़ाई को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए और तड़का हम घी से देंगे, क्योंकि सरसों का साग का तड़का जो होता है वो घी में बहुत अच्छा होता है। तो 3 बड़े चम्मच मैंने घी डाला है। घी गर्म हो जाने दीजिए। घी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं अदरक को डालूंगी। 1 चम्मच के करीब अदरक है। सो मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 चम्मच के करीब कटा हुआ लहसुन, इसे थोड़ा भूज लेंगे हम अच्छे से। अदरक लहसुन हो गया है, इसमें हम हींग डाल देंगे। अब प्याज डाल देंगे बारीक कटा हुआ। ये 1 बड़ा प्याज मैंने काट लिया है। प्याज को भी थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई मिर्ची डाल दूंगी। मिर्ची हमने डाला तो उबलते समय इसमें थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे। अब इसी में बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डाल दूंगी। और इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। हम चेक कर लेंगे टमाटर हुआ है कि नहीं। टमाटर पूरा गल गया है। अब इसमें साग को डाल देंगे। कंटिन्यू हम 10 से 15 मिनट तक चलाएंगे। जितना चलाएंगे उतना इस साग का स्वाद बहुत टेस्टी होगा। अब इसमें हमने नमक नहीं डाला था, इसमें नमक डाल देंगे और इसे मध्यम आंच पे हम कंटिन्यू 10 से 15 तक चलाते रहेंगे मिनट तक।
हमारा सरसों का साग बनके तैयार हो गया है। आपको यदि मेरे साग बनाने का तरीका यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।